लखनऊ में एटीएस का बड़ा सर्च ऑपरेशन, अलकायदा के दो आतंकी पकड़ने का दावा। एक हफ्ते से आतंकियों को ट्रेस कर रही थी टीम। यूपी की नई जनसंख्या नीति का ऐलान, सीएम योगी बोले बढ़ती आबादी विकास में बाधक। भारत के मूल की तीसरी महिला शिरीषा आज भरेंगे अंतरिक्ष के लिए उड़ान, यूनिवर्सिटी ने दी है जानकारी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी, आईएसआईएस से संबंध रखने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, 2500 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ 4 गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बुलंदशहर की तहसील शिकारपुर में प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ब्लॉक प्रमुख में जीत हासिल करने वाले लोगों के समर्थकों ने खूब जश्न मनाया और इस जश्न के माहौल में ये लोग कोविड के नियमों का पालन करना भी भूल गए। राज्य मंत्री की जीत के बाद विजयी जुलूस निकाला गया और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। वहीं राज्य मंत्री ने अपने समर्थकों के साथ शिकारपुर में जमकर जश्न मनाया। जानकारी मिली कि जश्न के समय सैकड़ों की भीड़ वहां पर मौजूद थी और लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के अब नतीजे आ चुके हैं और इस चुनाव में भाजपा ने बंपर जीत हासिल की है, लेकिन बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने किस वजह से अपना नामांकन वापस ले लिया, इसकी वजह अब सामने आई है। बीजेपी प्रत्याशी किरण पाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 70% लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं और गुलावटी में निर्दलीय प्रत्याशी का साथ दे रहे हैं। इस मामले में अपने वरिष्ठ नेताओं को भी उन्होंने अवगत कराया, फिर भी इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि मेरे घर तक पुलिस भेज कर मेरा उत्पीड़न भी किया गया है। मैं किरण पाल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुलावटी, मैं भाजपा प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख के लिए मैं नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद जब मैंने देखा वहाँ 70% भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन के लोग हमारे प्रतिद्वंदी नेहा यादव के साथ समर्थन में वहाँ काम कर रहे हैं, तो उसका मुझे कष्ट हुआ। उसके बाद मैंने पदाधिकारियों को फोन करे, बताया लोगों को, ऊपर भी खबर करी। उसके बाद फिर मैंने जो है अपने वीडियो से बताया कि हमें भी जो है ट्रेनिंग किया जा रहा है। उसके बाद में मैंने फिर घर पता करी, घर के से फोन आया मेरे से, हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी है पुलिस की। मैंने एसओ को फ़ोन करा, जो 3 बार फ़ोन करने के बाद में जब गाड़ी पुलिस की हटी, 4 घंटे लगातार मेरे घर पर पुलिस खड़ी रही है। मैं इसी वजह से उत्पीड़न होकर अपना पर्चा। आजमगढ़ में भाजपा नेता मनीष मिश्रा और जयनाथ सिंह की पहल से पलिया गांव में चल रहा धरना समाप्त हो गया है। दरअसल पलिया गांव में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं धरने पर बैठ गई। धरने को काफी ज्यादा समय हो गया है, 8 दिनों से लगातार धरना जारी था, जिसके बाद भाजपा नेता धरने पर बैठे लोगों की बात सुनने के लिए मौके पर पहुंचे और लोगों की बात को सुनते हुए उन्हें शांत कराया गया। इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात भी कही गई और लोगों का जितना भी नुकसान हुआ उसकी जल्द से जल्द भरपाई की जाएगी, इसकी भी बात कही गई। हम सबके संज्ञान में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के संज्ञान में बात आई, हम लोग धरने स्थल पे भी आए और कुशल क्षेम जानना चाहे दलितों का, और यहाँ से जाने के बाद मैंने पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को दी और सरकार ने निर्णय लिया और हम सबको यहाँ, हम सबको भेजा, हम लोग आए और जितनी इनकी क्षतिपूर्ति हुई थी उसकी भरपाई भी की गई और आपसी विचार विमर्श के बाद धरने स्थल पर बैठे हमारे एहसान भाई ने और दलित परिवार के मुन्ना प्रधान और सारे परिवार के लोग गए और बातचीत हुई, आपसी समझौता हुआ, मनीष मिश्रा जी भी उसमें। ताजनगरी आगरा में रक्तदाता फाउंडेशन और प्रथम अग्रवाल युवा समाज सेवी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। रक्तदाता फाउंडेशन के समिति के लोगों ने बताया कि यह हमारा 10वां ब्लड डोनेशन कैंप है। हम समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं, जिससे शहर में
किसी और भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसे वो आसानी से मिल सके। आज यहाँ पर स्वेच्छा से कैंप है, जो लोग स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करना चाहते हैं और समाज की के अपने सहायता में योगदान करना चाहते हैं, जिन लोगों को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ऑन डिमांड ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और उनके पास में ब्लड डोनर्स नहीं हैं देने वाले, तब हमारे ये ग्रुप। आगरा के थाना ताजगंज में चोरों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। थाना ताजगंज में दुकान के बाहर रखे सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार के सदस्यों की हुई तो घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को चेक किया गया। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही को शुरू कर दिया है। संभल के बहनोई कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश के वजह से दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के साथ साथ फायरिंग भी की गई। फायरिंग में तीन युवकों को गोली लग गई, जिसके बाद घायलों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां एक युवक की मौत हो गई जबकि दो की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कार्यवाही भी शुरू कर दी है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।